क्वेश्चन बोल रहा है आपसे राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। 2017 में ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा, तो मैं आपको बताता हूँ क्रिटिकल एंगल कब बनता। लेट अस सपोज कि ये डेंसर मीडियम है, क्या है ये डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल आई है। अगर रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, मतलब लाइट आपने ऐसे भेजी लेकिन ये ऐसे चली गई, तो नॉर्मल के साथ अगर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, तब उस केस में जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको आप कहते हो क्रिटिकल एंगल, दैट इज़ IC। मतलब आप ये कह सकते हो कि डेंसर मीडियम में बना वो एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, तो डेंसर मीडियम में बने उस एंगल को ही बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। द इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। सही है, मैंने आपको बड़ी सिंपल वे में समझा दिया, थैंक यू।